नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं कर्मभूमि टीवी। चलिए बढ़ते हैं आज की कुछ अहम खबरों की ओर। उत्तरकाशी बस हादसे में 26 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि 4 घायलों का इलाज जारी है। नौगांव और बड़कोट में शवों के पोस्टमार्टम के बाद देहरादून भेज दिया गया है। शवों को मध्य प्रदेश पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के विमान मंगाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की मदद की मिलेगी। बता दें कि 5 जून यानी बीते देर शाम मध्य प्रदेश के यात्रियों की एक बस यमुनोत्री हाईवे पर डामटा के पास 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बस में करीब 30 यात्री सवार थे। खाई में गिरते ही बस के दो हिस्से हो गए। यह बस यात्रियों को लेकर हरिद्वार से चली थी, जो यमुनोत्री जा रही थी, तभी डामटा के पास अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में उत्तराखंड के 2 लोग भी शामिल थे, जो चालक और परिचालक बताए जा रहे हैं। तो आप देखते रहिए कर्मभूमि टीवी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।